सौम्या सर आदित्य से ज्यादा तेज हो गई है सर। ठीक है आप आगे आप नो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट बाबू आपको ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर, है ना। इसी पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ए प्लस बी माइनस बी, ए माइनस बी, है ना बाबू। ठीक है तो जब भी फैक्टर करेगा ना बाबू, देखो आप कंसेप्ट सीखो, जब भी बाबू कोई किसी भी बाबू किसी भी वेरिएबल का किसी वेरिएबल का एक्सप्रेशन बाबू फैक्टर करोगे ना तो बीच में प्लस नहीं रहेंगे, ऐसे नहीं रहेगा टू प्लस थ्री, है ना, ऐसे नहीं आपको फैक्टर मिलेगा। ये बाबू क्या इसको एक टर्म, ठीक है, अब प्लस बाबू क्या रहेगा ऐसे थ्री प्लस टू एक्स, मतलब ये एक टर्म रहेगा, ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई में रहेंगे, बीच में बाबू ऐसे प्लस माइनस नहीं दिखेगा, प्लस माइनस नहीं दिखेगा, ठीक है ना, नहीं तो ऐड हो जाएंगे फैक्टर फिर नहीं बनेंगे, ठीक है बाबू। तो इसी कंसेप्ट पे बाबू, इसी कंसेप्ट पे बाबू क्वेश्चन कुछ करवाने की कोशिश कर रहे हैं ना आप लोग, समझिएगा। पहला नंबर कितना नंबर फैक्टर का क्वेश्चन हो गया था, कितना नंबर तक हो गया था बताओ बाबू नारायण, प्लीज बाबू टेल। हो गया था आइडेंटिटीज का सर। हाँ बाबू बताइए अभी तक कैसे कंटिन्यू नहीं किया था, 9 तक हो गया था, 10 तक, 10 से होगा, अच्छा 10 से होता था। नेक्स्ट बाबू कह रहा है बाबू कि x4 - y4 का फैक्टर करना, ठीक है, x4 माइनस बाई फोर का क्या करना, फैक्टर करना, है ना, ठीक है सर। तो कैसे करोगे तो देखो कैसे करना, कैसे करना बाबू, ठीक है ना, क्या करना सर, x4 है ना बाबू तो इसको क्या कर दो, x रेस टू द पावर टू, पावर टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना आएगा, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू बाई बाई रेस टू पावर फोर है तो बाई रेस टू पावर टू रेस टू पावर टू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बाई रेस टू पावर फोर, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है सर। ऐसा क्यों किया सर, अरे बाबू चुपके से चुपके से, ऐसा इसलिए किया, ऐसा इसलिए किया सर कि मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट, अगर ये टोटल को टोटल को टोटल को बाबू टोटल, अरे समझ लो लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, जो लिखा उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत कहना सर आप सर आप दिए थे, पहले समझा रहे हैं हमसे, समझिए क्या कर रहे हो, सौम्या प्रिंटिंग प्रेस क्यों खोली हुई हो, बाद में प्रिंटिंग प्रेस खोलिएगा, ठीक है ना, पहले समझिए। नहीं सर मैं ये वाला लिख रही हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो बाद में लिखना ना, लिखने का टाइम देंगे ना, पहले समझो ना हमने क्या बोला, अगर बाबू इसको कह रहा फैक्टर पर x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4, ठीक, तो हमने इसको कैसे लिखा सर, x रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2 y रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2, अल्टीमेटली पावर मल्टीप्लाई में होता है, यही आ जाएंगे, ठीक सर। ऐसा क्यों किए सर, ऐसा इसलिए किए बाबू कि यहां मेरा क्या a स्क्वायर है, तो इस पूरा टर्म को बाबू, इस पूरा टर्म को बाबू अगर a मान लोगे, मान लो थोड़ा देर के लिए इस पूरा टर्म को बाबू, पूरा टर्म को बाबू अगर a मान लेते हो, a मान लेते बाबू, ठीक है सर, इस पूरा टर्म को बाबू, इस पूरा टर्म को बाबू अगर बी मान लेते हो सर, बी मान लेते हैं सर, बी मान लेते हैं, तो इस पूरा टर्म को अगर ए मानेंगे तो ये मेरा फॉर्मूला नहीं ऐसे हो जाएगा सर, ए स्क्वायर ए माइनस बी, ठीक है ना, शांति से सुनो, शांति से सुनो, एक्स स्क्वायर इकट्ठे इससे इकट्ठे एक्स स्क्वायर को एक हम ए माने, ठीक है, माइनस सर इसको हम पूरा को माने स्क्वायर बोला बी माने तो कितना हो जाएगा सर, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो अभी ताजा ताजा बताएं सर, क्या होता है सर, ए प्लस बी होता है सर और ए माइनस बी होता है, यही तो ताजा ताजा पन्नू पर लिखा हुआ। यस सर आपका वीडियो अटक रहा है, पूरा अटका हुआ है सर। अच्छा ठीक है बाबू देखते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, सर अब सही हो गया, अब सही हो गया सर, अब ब्लर आ रहा है आपका, अच्छा ब्लर आ रहा है, यस सर, नो सर अब क्लियर हो गया, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बाबू, हां सर, शांति सियोना सियोना, यस सर अब हुआ, सर फिर वैसे ही हो गया, सुनिए आप कहानी सुनिए, सर फिर वैसे ही हो गया, एकदम ब्लर आ रहा है और आप अटक जा रहे हैं, काहे ऐसे हो रहा है बाबू, अटक जाते हैं सर, आपका नेटवर्क येलो दिखा रहा है, चलो ठीक है बाबू अब हो गया सही, यस सर, यस सर ठीक है, मोबाइल के डाटा से कनेक्ट किया बाबू, ब्रॉडबैंड वाला पता नहीं, सर फिर ब्लर हो गया अब ठीक है सर, उतना दिख सकता है
ये सर दिखने लायक है सर, अब ठीक हो गया सर, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप शांति, अब शांति से पढ़ो, हो गया सही? यस सर। चलिए ठीक है, हुआ सियोना बाबू सही? 5 मिनट में इसी पर बात कर देते अब तो। यस सियोना, चलो ठीक है, दिखने लायक है, ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, हमने क्या कहा, x रेज़ टू द पावर 4 है बाबू, माइनस y रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा, x रेज़ टू द पावर 2 के पावर 2, y रेज़ टू द पावर 2 के पावर। अब इस इकट्ठे पर बहुत ब्लड दिख रहा है, अनफिनिश बदमाशी करता है सर। अब तो सही है बाबू, अब ठीक है बाबू, मोबाइल देख नहीं सकते हो तुम, अब ठीक हो गया सर, अब पूरा क्लियर है, ठीक है। अच्छा ठीक है, बाई स्क्वायर को बाबू हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया सर, इसको ये पूरे को ये माने तो क्या हो गया, ए यहाँ स्क्वायर सर, इस पूरे को बी माने, इसको इसको बाई स्क्वायर को बी माने, तो ये बी हो गया सर, उसका स्क्वायर हो गया। तो इसका ताजा ताजा अभी सर, अभी मार्केट में ताजा ये मेरा फॉर्मूला, ठीक है। अब बाबू क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो जहां जहां ए है शैतान मेरे, जहां जहां ए है वहां वहां क्या पुट कर देंगे सर, एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया सर, एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। जहां जहां बी है सर वहां क्या पुट करेंगे सर, बाई स्क्वायर, बी को क्या माने, बाई स्क्वायर माने, तो बाई स्क्वायर प्लस, तो प्लस हो गया बाई स्क्वायर। नेक्स्ट बाबू ए है सर, ए को क्या माने सर, क्या माने सर, ए को हम एक्स स्क्वायर माने, तो यहाँ एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, माइनस बाबू बी को क्या माने सर, बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर है सर, किसके बराबर, इसी के बराबर है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ऐसे था ना, ऐसे था, ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब यहाँ भी सब्स्टिट्यूट करो बाबू, ठीक है, कैसे सर, कैसे सर, ऐसे बाबू ए बराबर क्या माने हो सर, एक्स स्क्वायर माने हो का, इसका होल स्क्वायर। बी बराबर क्या माने सर, बाई स्क्वायर माने हो ना सर, माइनस बाबू बाई स्क्वायर माने, बी बराबर क्या, बाई स्क्वायर माने, ये स्क्वायर बाद होगा ना, तो ये होल स्क्वायर। मतलब यही टर्म हम यहाँ लिखे, इसको एक्सपेंशन हाँ बाबू, इसी को एक्सपेंशन करके ऐसे लिख, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, ठीक है, आगे 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 बाबू, आगे बाबू, ये कितना हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर है सर, ठीक है सर, ठीक है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है बाबू, यस सर, ठीक है। अब बाबू आगे प्रोसीड करो, आगे प्रोसीड करो, ठीक है, आगे प्रोसीड करो, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का बाबू होल स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का बाबू होल स्क्वायर, है ना, ठीक है सर, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट सोचिए सोचिए बाबू सोचिए 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 क्या सोचिए बाबू, यहाँ क्या है सर, एक्स स्क्वायर है सर प्लस बाई स्क्वायर है, ठीक है सर। अब बाबू फिर यहाँ पे मामला मेरा दिख गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो इसको एक्स को ए मान लो, बाई को बी मान लो, तो ए मेरा क्या हो जाएगा सर, अरे एक्स को ए मान लो, बाई को बी मान लो, मेरा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला फिर सब पे चोट कर देंगे। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, अरे शैतान हम यहाँ कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ एक कहना चाह रहे हैं बाबू कि यहाँ एक्स स्क्वायर है सर माइनस बाई स्क्वायर है, तो इसमें पावर नहीं रहेगा सर, तो ए माइनस बी ही ना आएगा। हाँ बाबू देखो सर यहाँ क्या है सर, यहाँ क्या ए है सर, तो ए की जगह यहाँ पे क्या है सर, एक्स है ना सर, है ना सर, तो इसी में बाबू ए की जगह एक यदि क्या करो, ये एक्स है ना बाबू, तो इसी में बाबू ए की जगह एक्स रख दो ना, इसी में बाबू ए की जगह एक्स यदि बी की जगह बाई रख दो ना, अरे शैतान इसी में बाबू ए की जगह एक्स रख दो, बाई की जगह बी रख दो, यहाँ एक्स रख दिए सर, बाई की जगह बी रख दिए सर, यहाँ एक जगह एक्स रख दिए सर, अब बाई की जगह बी रख दिए सर, तो मेरा फॉर्मूला x प्लस y x माइनस y x प्लस y x माइनस y, तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा, x प्लस y बन जाएंगे सर, a प्लस b इनटू a माइनस b i इनटू क्या बन जाएगा, x माइनस y बन जाएगा, है ना, तो ये फैक्टर होगा, है ना, तो आप लोग लिखोगे कैसे बाबू, लिखोगे क्या बाबू, पहले ये वाला लिखना, ऊपर वाला सर शुरू से आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को और फैक्टर कर दिए। हां बाबू यार एक और फैक्टर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बाबू, ए प्लस बी होता है शैतान मेरे, और ए माइनस बी होता है ना। अब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर को हमने फैक्टर किया दिस, है ना बाबू, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, फॉर्मूला हो गया, उसको फॉर्मूला पे बैठा दिया बाबू, है ना। अब राइट डाउन कीजिए शैतान, ये फर्दर फैक्टर होंगे ना बाबू, यस सर, और फैक्टर हो जाएगा। नहीं समझे शर्मा जी, ओम शर्मा, हाँ बाबू बोले ना नारायण बाबू, सर मैं बोल रहा हूँ ओम शर्मा। अच्छा ठीक है सर, मैं बोलूं सॉल्यूशन पूरा, बोलिए बोलिए सर, मेरे में क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है सर, एक्स प्लस वाई और फिर एक्स प्लस वाई दो बार लिख सकते हैं सर, और दो बार एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं,
नहीं बाबू ये होल स्क्वायर रहेंगे तब ना x प्लस y लिखेंगे, होल स्क्वायर नहीं बाबू, यहाँ ये x पे स्क्वायर है, यहाँ y पे स्क्वायर है, जितना नंबर क्वेश्चन आ रहा है प्रखर उतना नंबर क्वेश्चन लिखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है, माइनस है इसीलिए फिर से हो गया है ना। हाँ बाबू यहाँ माइनस है ना बाबू, तो फॉर्मूला फिर से एक बार लग गया, फिर समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है नारायण लिखो पहले, दिमाग इधर उधर रखे, नंबर में अब समझाइए। Yes, sir, और ज्यादा फैक्टराइज हो गया नहीं समझे सोम्या सर, वो आपका वीडियो में देखी थी ना सर, इसलिए अच्छे से नहीं समझ में आ रहा। चलिए सोना बाबू समझे कि नहीं समझे सर, हो गया। अच्छा ठीक है सोना बाबू। Yes, sir, समझ गए। सुजीत म्यूट करो ना बाबू, काहे ला क्लास के कचरा बने के रहते बाबू, हमको तो इस पे इतना गुस्सा आता है ना, कचरा बने रहता है खाली। ठीक देखो नारायण बाबू क्या किया, कुछ नहीं किया बाबू, अरे x पर है बाई फोर है, तो x रेस्ट टू पावर टू के पावर टू बाई रेस्ट पावर टू के पावर टू, अभी एक्स स्क्वायर को ए मान लिए, बाई स्क्वायर को बी मान लिए, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पुट करो ना तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ बाई स्क्वायर की जगह पुट करो ना बी, यहाँ बाई स्क्वायर की जगह बी पुट करो तो क्या बन जाएंगे बी स्क्वायर बनेंगे, तो वही चीज का यहाँ लिखे ना, तो इसका फॉर्मूला नहीं आप तुमको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बाबू अब एक जगह क्या एक जगह एक किसको माना सर एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ बाबू एक किसको माना एक्स स्क्वायर पे, यहाँ एक्स स्क्वायर पुट करो, बी किसको माना ए बाई स्क्वायर पे, तो बाई स्क्वायर पुट करो, यहाँ ए बराबर क्या माना सर, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए बराबर क्या माना सर एक्स स्क्वायर, तो ए बराबर एक्स स्क्वायर पुट कर दिए, बी बराबर क्या माना सर बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर पुट कर दिए, ए बराबर क्या माना एक्स स्क्वायर, बी बराबर क्या माना बाई स्क्वायर, बीच में माइनस है माइनस दे दो फर्दर बाबू, पावर टू क्यों लिखे, अरे सर तब एक्स टू पावर टू यहाँ है ना बाबू सर, एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर स्क्वायर, अरे वो तो यहाँ ई स्क्वायर है ना, ये जो टू है ये इसका स्क्वायर है ना, एक ही भाई, तो एक्स स्क्वायर को हमने ए माना, ए बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये पावर टू रहा करेगा ना, यहाँ पावर टू है तो पावर टू रहा करेगा। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, अगर वहाँ पावर एट रहता सर तो क्या, पावर एट तो पावर ए का वैल्यू जो भी है उसको पूरा लिख देना सर। हाँ बाबू जो भाई लोग पूरा लिख देना, नेक्स्ट एट वाला कर देते, एट वाला कर देते, ठीक है रो मत, एक से पाई सर नीचे एक्स सर, फिर नीचे से बी का एक्स प्लस वाई कैसे आ गया सर, अरे सर तुम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे बाबू तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो बाबू, एक जगह एक्स स्क्वायर, अरे शैतान यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का होगा ना ए प्लस बी, अरे सर ये सिस्टम है हां सर, अरे शैतान यार, चलो ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन बाबू, लो एट वाला कर, पावर एट लीजिएगा सर, अच्छा इलेवन इलेवन एक्स रेस टू द पावर एट बाबू, अरे जो भी रहे शैतान दिमाग दही मत, लो फोर्टीन कर देते, ठीक है खुश रहो, क्वेश्चन नंबर आप लोग अपना पावर एट माइनस वाई रेस टू द पावर एट। हाँ बाबू सर एक डाउट है, बोलिए सर, नीचे वाला आधा तक क्यों छोड़ दिए बाबू, इसके बाद बाबू ये फर्दर सिंपलीफाई नहीं होगा बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला किसका, एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला है बाबू, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, और इसका सर हमारा फॉर्मूला नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का इसका फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, तो वही रह गया, और एक्स प्लस बाई है ना, एक्स प्लस बाई हो गया, एक्स माइनस बाई हो गया, इसको फर्दर सिंपलीफाई नहीं कर सकते हो, चलो ठीक है इसका करो तो कौन करता है, इसका कीजिए तो कौन करता है, ठीक है सर समझे प्रखर, यस सर, आर्या बाबू समझे, आर्या पावर सिक्स नारायण बाबू समझे बाबू, नारायण बाबू ये नारायण, ये नारायण सर, हाँ सर माँ जी बोलिए, नहीं समझ में आया सर, एक्स्ट्रा पावर फोर और फिर एक्स्ट्रा पावर फोर कर सकते हैं ना, अरे शैतान एक्स सर, एक्स एक्स रेस टू द पावर सिक्स रेस टू द पावर टू, सिक्स टू ट्वेल्व ना हो जाएगा बाबू, एक्स रेस टू का फोर है यहाँ टू करो सर, तब नहीं ये दोनों मल्टीप्लाई में होगा, फोर मल्टीप्लाई टू एट आएंगे पावर बाबू, क्यूब कर पावर जब भी बताते सर बता दीजिए ना सर, नहीं बन रहा, अच्छा बताते हैं
बता दो, थोड़ा रुक जाइए सर, बना लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, पहले आप अपने अटेम्प्ट कीजिए, अपने मन से अटेम्प्ट कीजिए। संजना बाबू समझ में आया? संजना सर उसके पीछे पीरियोडिक टेबल है, बना रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रकाश सिंह आया लेट से, ये तो लेटे से ही करता है। 6:30 बजे आया प्रकाश सिंह, हद हो गया बाबू। एक क्वेश्चन जब सर करवा लिए तब आया। लेट से क्यों आते प्रकाश सिंह? दिमाग लगाइए ना सियोना, क्या बात कर रहे, थोड़ा माइंड यूज कीजिए ना बाबू। सियोना नहीं दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा सियोना, नहीं बोलती है ओ सर, नहीं तो क्लियर दिख रहा बाबू सर, दिख तो बना लिया सर, यस सर बहुत क्लियर दिख रहा है। अरे अंशुजीत क्यों बीच में बोलते हो, इसको भगाएंगे, थोड़ा सा नहीं दिख रहा सियोना बाबू, थोड़ा पास लेने से दिख रहा है। अरे शैतान तो आपका डाटा बचते हैं बाबू, कहाँ है पॉकेट खर्चा बचाने में लगी हुई हो हैं सियोना? यस सर, पॉकेट खर्चा क्यों सेविंग करने में लगी हो, डाटा रिचार्ज करवा के रखिए ना बाबू। हॉटस्पॉट शेयर बंद करता हूँ, हॉटस्पॉट शेयर बंद करो तो डेटा कम होगा। सर अंशु जी कितना बोलता है ना, एक्सेल एच टू द पावर कितना करना बाबू, एक्सेल एच टू द पावर स्क्वायर सर, मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखो बाबू, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना बाबू, ऐसे लिखना, ठीक है ना, कैसे लिखोगे सर? आपका पूरा ब्लर दिख रहा है, एक्स के रेज टू द पावर 4, यस सर सच्ची में ब्लर दिख रहा है, अब फ्रीज भी हो गया, फ्रीज भी हो गया सर, आप फ्रीज हो गए, पावर 2 सर, कुछ नहीं दिख रहा सर, सर कुछ नहीं दिख रहा सर, बहुत ब्लर हो गया आपका नेटवर्क, रेड दिखा रहा है बार बार, मत बोलो अब नेटवर्क। हो जाएगा सही? यस सर अब सुनाई दे रहा है सर, लेकिन बहुत फटा हुआ आ रहा है सर, ब्लर आ रहा है सर, बहुत ब्लर आ रहा है, अभी भी ब्लर आ रहा है, यस सर आपका दिखा ब्लर आ रहा है, नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो सर, आपका आवाज भी सर बहुत फटा हुआ आ रहा है, यस सर कट कट के आ रहा है इतना लो कैसे, कितना नेट कनेक्ट किए हुए बाबू मेरे से ब्रॉडबैंड से, आवाज ठीक है सर लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा क्लियर हुआ है, दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा, ये सर अब हो गया सर, हो गया सर, हो गया सर, नहीं सर फिर हो जाएगा, हो गया सर, हो गया सर, अरे बल्लर तो बाबू फोकस करने में हो जाता, चलो ठीक है हो गया सही, हो गया शर्मा जी, हो गया बाबू क्लियर दिख रहा, ये सर पढ़ाइए सर, हो गया पूरा क्लियर दिख रहा है, ठीक है बाबू देखो म्यूट कर लो, हमने x का पावर 4 का पावर 2 लिखे हैं, इसको मैं x का पावर 2 का पावर 2 का पावर 2 तीन बार लिख सकती हूं? नहीं बाबू इससे मत करना, पहले स्टेप बाय वो x का पावर 2 का पावर 2 करो, अल्टीमेटली काल हम जान के जमत लेंगे, सही होगा बाबू ठीक है ना, लेकिन उससे मत करना ठीक है, समझो बाबू समझो, अब बाबू इसको क्या मान लो, इसको देखो सीधा इसको कैसे करोगे, तो इसको टोटल को बाबू अगर ए मान लेते, ये अंदर जो टोटल है बाबू ए इसको अगर मान लेते हो सैतान है ना, तो क्या हो जाएंगे ए का स्क्वायर हो जाएंगे, इसको टोटल जो अंदर है बाबू टोटल अंदर है, म्यूट कर लो ना, किसका क्लास चल रहा है बाबू म्यूट कर लो ना, इसको जो टोटल अंदर बाबू इसको अगर बी मान लेते हो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाएंगे ना सैतान मेरे, क्या बन जाएंगे सर, ये अंदर का टोटल मान लोगे तो क्या हो जाएगा सर, ए एक्स फोर के बजाय क्या लिखोगे, ए लिखोगे, और इसका स्क्वायर है सर ये स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट बाबू बाई रेज टू दावर 4 है सर, तो इसको टोटल हमने क्या माना बी माना, तो यहाँ बी लिख दो, और ये पावर 2 है ये पावर 2 लिख दो, नेक्स्ट बाबू अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी आपको बताएं सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग एग्जाम में ऐसे मत लिखना, बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत लिखना ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा, ऐसे मत लिखना गलत हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस बी होगा सर, और ये माइनस बी होगा, बीच में ऐसे
नहीं अभी आप लोग लिख लो, एग्जाम में मत लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको हम समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में डायरेक्ट बनाना बिना ए स्क्वायर बी स्क्वायर का। नेक्स्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपने मन से मान, अपने मन से कर। ठीक है सर, ठीक है। क्या हो रहा बाबू, ऐसे काहे हो रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा, इतना कनेक्शन किए हुए है सर। बीच बीच में थोड़ा खराब हो जा रहा है सर, लेकिन फिर ठीक हो जा रहा पूरा। चलिए ठीक हो गया ना बाबू, ठीक है। तो आप yes, चलो ठीक है, एग्जाम में बाबू ये सब ए ऐसे घेरा लड्डू जिलेबी आयरो मत बनाना, ठीक है ना। आपको हम समझाने के लिए सब बनाते हैं, फ्रेश बाबू फ्रेश करना, ठीक है। अब ए को क्या माना सर, एक्स रेज टू द पावर फोर माना, तो एक्स रेज टू द पावर फोर हो गया प्लस। बी को क्या माना सर, बाई रेज टू द पावर फोर माना, तो बाई रेज टू द पावर फोर यहाँ रख दो। किसमें सर, इसमें इसमें इसमें। नेक्स्ट बाबू, क्यों प्रिंटिंग प्रेस खोली हुई हो ना, बंद कीजिए ना, बाद में लिखिएगा, समझिए ना बाबू, फिर कहोगे कि नहीं समझ में आता। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अरे सैतान तो लिख नहीं पाओगे, तो लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना बाबू, क्यों नहीं बात समझती हो, समझ लोगी तो अपने से लिख लोगी। नेक्स्ट बाबू, ए है बाबू, ए है सर, ए है तो ए माइनस बी, ए को क्या माना सर, एक्स रेज़ टू द पावर फोर माने, बी को क्या माने सर, बाई रेज़ टू द पावर फोर माने, तो ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, ये भी अभी इसका फैक्टर हमने किया, अभी एक्स रेज़ टू द पावर फोर बाई रेज़ टू द पावर फोर का फैक्टर किया भाई, इसका फैक्टर किया है ना बाबू, और ये फैक्टर होगा, ये फैक्टर नहीं होगा सर, एक्स रेज़ टू द पावर फोर बाबू प्लस बाई रेज़ टू द पावर फोर का फैक्टर नहीं होगा। अगर माइनस रहता तो फैक्टर करते हैं, अब इसका फैक्टर फिर से करो आप लोग, तो इसको कैसे लिखोगे सर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर सर, ठीक है सर, माइनस सर कितना, बाई स्क्वायर का स्क्वायर सर, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, इसको ब्रैकेट ग्रेटर ब्रैकेट दे दो। अब भी बाबू फुटा से, अब हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं करेंगे ना बाबू, ये क्या बाबू एक्स स्क्वायर है तो इसको पूरा कह माने तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे, अब हम ऐसे लिख के बचावला नहीं बताएंगे। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, एक्स रेज टू पावर फोर बाई रेज टू पावर फोर ब्रैकेट दो बाबू, अभी ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है बाबू, यहाँ से क्या बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। फर्दर बाबू फर्दर ये फॉर्मूला पे जब जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना रहेगा, फॉर्मूला आपका बनते रहेगा सर। प्रिंटिंग लिखो बाबू, प्रिंटिंग प्रेस है खोलो तो खोलिए, लिखिए शर्मा जी लिखिए, सौम्या सर प्रिंटिंग प्रेस खोल रहे, हाँ लिखिए, हाँ बाबू लिखिए, हाँ बाबू लिखने में तो आप लोग तेज है हो, समझने में खाली नहीं तेज हो की। आर्या दिख रहा है, आर्या बाबू x रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 सर, और y रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 2 सर, अलग-अलग हो गया दोनों, अलग-अलग पावर हो गया सर। बाबू फिर हमने बाहर वाले को ब्रेक किया ना, बाहर वाले को ब्रेक किया x स्क्वायर, यस सर, बाहर सर बाहर वाला ब्रेक करके दूसरा में चला गया। हां बाबू यहां आ गया, यहां आ गया, यस सर, इसको पुनः ये ब्रेक होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो पुनः आ गया, यहां फार्मूला लगाना यार, ये वीडियो ऑन की बाबू, जब तक लगेगा जब तक आपको यहाँ फॉर्मूला जब तक दिखते रहे, जब तक लगाते जाना, यहाँ नहीं दिख रहा बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है, एक्स की जगह रखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, हाँ तो लगाते चलना है, और क्या समझ में आया यार, हाँ बाबू फिर लगाना है, इसमें फिर लगाना है, चलिए ठीक है लिखे बाबू, जल्दी से लिखे, समझी संजना, ये संजना हम बना लिए थे, हाँ तो एक सिक्सटीन बाई सिक्सटीन वाला बनाए थे बाबू, एक्स रेज टू द पावर एक्स रेज टू द पावर सिक्सटीन ना बाई रेज टू द पावर सिक्सटीन करो, और थको एक्स रेज टू द पावर सिक्सटीन, हाँ इसको फर्दर हम इधर कर रहे हैं, ठीक है सर, क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे सर, x रेज़ टू द पावर 4 सर, x रेज़ टू द पावर 8 इनटू 2। नेक्स्ट बाबू यहां सर, यहां फिर फार्मूला लगाओ सर, यहां फिर लगाओ तो कितना हो जाएंगे सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना बाबू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होंगे सर, ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी, तो यहां x है ना सर, तो x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो x प्लस बाई इनटू x माइनस बाई, यही तो डांस करना है, तो x प्लस बाई इनटू x माइनस बाई, यही तो करना है। नेक्स्ट एक और टर्म कौन बच गया सर, x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर लिख दो, तो ये बाबू इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट 16 वाला करो आप लोग, बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो, 16 वाला करो क्वेश्चन नंबर 15, फिर दूसरा टाइप बताते हैं,
ये समझ गया, सब समझ गया, सब समझ गया। ये रिजल्ट किसका है सर? अब देखो इस रिजल्ट का यूज होगा। ये रिजल्ट किसका है सर? x रेज टू द पावर 8 का सर, माइनस y रेज टू द पावर 8 का। तो ये वाला रिजल्ट हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। समझ में नहीं ना आता प्रकाश से? नहीं आता सर, कुछ नहीं आता। दुनिया दुनिया सर, थोड़ा थोड़ा सर। हाँ लेट से आओगे आप सर लास्ट में। अरे लास्ट में क्या लिखवा? x रेज टू द पावर 4 प्लस y रेज टू द पावर 4, इसी को आओ फर्दर सिंपलीफाई करो। नहीं दिख रहा नारायण बाबू अंतिम में सर, अच्छा से कंजेस्टेड हो गया हल्का पूरे। हाँ, तो कंजेस्ट जान के हम लिखे, समझ में नहीं आ रहा था ना सर ये एक्स स्क्वायर प्लस। अभी तक नहीं आपको समझ में आया? एक्स रेज टू द पावर 8 सर किसी से होगा ही नहीं सर। अभी तक नहीं समझ में आया नारायण बाबू? काहे नहीं समझ में आ रहा नारायण बाबू आपको? यही तो समझ में नहीं आ रहा आपको, क्यों नहीं समझ में आ रहा सर? हमको भी थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, मेरे को भी नहीं। अरे किसी को चलो ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, अच्छी बात है। देखो अगर यहाँ x इसको x by से रिप्लेस करो तो फॉर्मूला को पहले, ये भी मैं आप लोग को टेंशन हो रहा है, इसको x square minus y square का फॉर्मूला क्या होगा? x plus y x plus y x minus y, बस यही यूज करना हमको, ज्यादा नहीं पढ़ाना है। x plus y x minus y ठीक, इतना तक सबको समझ में आता? अब देखो शैतान इसको कैसे ब्रेक करो इसको। अच्छा ठीक है, इसको अच्छा ठीक है बाबू, पढ़ाने तो दो ना, क्यों इतना टॉर्चर करते। इसको कैसे करना है सर, कैसे करना है बाबू? इसको स्क्वायर में लिखना, स्क्वायर में लिखना। तो कैसे लिखे सर? x रेज टू द पावर 2, x रेज टू द पावर 8 पावर 2। अरे शैतान आपको ये वाला फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? x रेज टू द पावर अगर m है बाबू, पावर अगर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। नेक्स्ट बाबू समझिए, जिसको नहीं समझ में आया ये सबको जानते हो कैसे नहीं समझ में आया? बुद्धि तो भरा स्टोल है, लिखने में एकदम प्रिंटिंग प्रेस में, भविष्य में प्रिंटिंग प्रेस से खोलवे करेगा, आधा तो स्टूडेंट यही है। हम बार बार बोलते हैं बाबू की जब हम लिखने का टाइम देते तो उस समय से कृपया कर लिखिए, जब समझाते हैं तो समझिए, तो समझाएंगे उस समय प्रिंटिंग प्रेस करेगा, उसके बाद सर समझ में नहीं आता है, हमको सुसाइड करना पड़ता है, समझो सी हो ना? प्रिंटिंग प्रेस खाली खुलेगी जाके भविष्य सर, क्या क्या बोलते रहते सर। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस बाद में खुलेगा। ठीक है नेक्स्ट बाबू, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखना चाहते सर? बाई रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 2। यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे, नया जी बोलो नहीं तो आगे बढ़ेंगे। मेरे को समझ आ गया सर, नहीं आ गया सर। हाँ बोलो सर। सर x टू द पावर 4 और फिर ब्रैकेट के बाहर x टू पावर 4। अरे बाबू x टू द पावर 4 करेंगे यहाँ, 4 करेंगे बाबू तो 4 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा ना शैतान मेरे। ब्रैकेट के बाहर 4 करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई में ना होता बाबू, तो x टू द पावर 16 हो जाएगा। ठीक फॉर्मूला है सर, हमको स्क्वायर वाला फॉर्मूला है बाबू, ये इसको क्या फॉर्मूला है ना, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखो ना बाबू, तब ना फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। और बोला किसको डाउट है? एक एक क्वेश्चन पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो, यहाँ तक किसको दिक्कत है? किसी को दिक्कत है पूछो नहीं तो आगे पढ़ेंगे। नो सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे आपको नहीं ना बाबू, चलिए ठीक है संजना, ठीक है सियोना, और किससे पूछो? आर्या इस लाइन से इस लाइन में दिक्कत है बाबू? नहीं सर समझ आ गया। नहीं सर समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है अब अगला लाइन समझो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, पापा का जॉब भी चल जाएगा, जाओ रोड पे आ जाना, जो जो लिखा उसका इसी हो जाएगा। अब बाबू देखो ये सर क्या है, स्क्वायर है सर,
तो इसको पूरा का पूरा बाबू क्या एक से है ना बाबू, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर। अगर यहाँ एट भूल जाओ, अब थोड़ा देर के लिए एट भूल जाओ, तो क्या हो गया सर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला की है सर, की है, यही बोला ना, तो बोला टर्मा लिख दो कौन इसका फॉर्मूला यही ना सर, तो एक्स प्लस बाई क्या बहु लिखोगे जिसका बुद्धि है सब भ्रष्ट हो जाएगा। क्या सर एक्स माइनस बाई क्लियर तो देख सर, क्लियर तो माइनस वाई का होल स्क्वायर कैसे हो गया सर? अरे सर शांत रहो ना, चुपचाप रहो ना, ठीक है। देखो हमने क्या कहा सर, ये एक्स स्क्वायर है यहाँ, हमने क्या बोला बाबू, हमने ये बोला कि यहाँ से एट है बाबू, एट थोड़ा देर के लिए भूल जा, एट है इसको भूल जा। अब एट भूल गए तो एक्स स्क्वायर माइनस, इतना मार इसको मारा ना, बोल रहा है सुन नहीं रहा, कह रहा कि समझाए समझाइए, रेज़ टू द पावर 2 कैसे हो गया? बोलते तो देखनी सुनता का है नहीं, जो बात बोलते क्यों नहीं सुनता है? 8 इंटू 2 16 आने खाली करता, जो बात बोलते उसको क्यों नहीं सुनता है? ठीक है सुनो शांति से, इधर उधर दिमाग करेगा, यहाँ क्या है सर, x रेज़ टू द पावर 8 है बाबू, ठीक है यहाँ 8 है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या बोला कि यहाँ थोड़ा देर के लिए इसको भूलो, इसको भूलो, तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, तो यही लिख दिए। लेकिन एक्चुअल क्या था सर, एक्चुअल क्या था सर, एट है बाबू, तो यहाँ एट है सर, तो यहाँ एट है, तो जहां जहाँ एट है वहां वहां एट दो, यहाँ यहाँ एट है तो एट दो, यहाँ एट दो बाबू, यहाँ एट दो सर, यहाँ एट दो, यहाँ से यहाँ तक किसको दिक्कत हुआ? दिक्कत है तो पूछो नहीं तो आगे बढ़ते बाबू, दिक्कत है आर्या संजना? नो सर नहीं, मेरा सही है। चलो ठीक है शर्मा जी, दिक्कत है बाबू? नहीं सर, सोना बाबू आपको? नो सर मेरा कोई नारायण समझना है बाबू, यहाँ से यहाँ समझना है नारायण? यस सर। चलो ठीक है नेक्स्ट बाबू, अब बाबू यहाँ याद रहो हमको प्लस साइन नहीं है सर, प्लस साइन का फॉर्मूला नहीं है, प्लस वाला नहीं ना फॉर्मूला, तो जो नहीं है उसका रखो x रेज़ टू द पावर 8 और y रेज़ टू द पावर 8, ठीक। अब बाबू यहाँ सर x रेज़ टू द पावर 8 और y रेज़ टू द पावर 8, तो इसका अभी फैक्टर किया बाबू, ये वाला रिजल्ट है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझो फिर से। अब बाबू फिर इसको फैक्टर करो, क्यों सर, क्यों सर? क्योंकि बाबू ये पावर 2 में इसको तोड़ सकते हैं, यहाँ माइनस वाला है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक करो, इसका डायरेक्ट रिजल्ट अभी यही वाला किया ना बहुत, तो डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या लिखोगे, एक्स रेज़ टू द पावर 4 लिखोगे कि पावर 2 कर दो, एक्स रेज़ टू द पावर 8 है ना, तो इसको प्लस वाले को सर, प्लस वाले को फिर क्यों नहीं तोड़े हैं सर, सिर्फ माइनस वाले को तोड़े हैं? अच्छा ठीक है, क्योंकि माइनस वाले का फॉर्मूला है, ठीक है ना, प्लस वाले को बाबू हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, यहाँ माइनस वाला फॉर्मूला है बहुत, इसलिए माइनस वाला कहीं ब्रेक करेंगे, समझे प्रखर? ठीक है अब बाबू पुनः इस क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसको पुनः फॉर्मूला पे ब्रेक करो, फॉर्मूला पे ब्रेक करो, है ना। यहाँ देखो प्लस वाला का फॉर्मूला नहीं ना सर हमारे पास, तो इसको नहीं तो उसको ऐसे लिखो, एक्स रेज़ टू द पावर 8 हो गया प्लस वाई रेज़ टू द पावर 8 हो गया। नेक्स्ट बाबू अब देखो यहाँ थोड़ा देर के लिए फोर भूलो, तो शांति से जो बोल रहा है सुनो, यहाँ थोड़ा देर के लिए फोर भूलो, थोड़ा देर के फोर भूल जा, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनेंगे सर, एक्स प्लस बाई बन जाएंगे सर, और एक्स माइनस बाई बन जाएंगे, यही बनेंगे ना, जहां जो लिखी एक शिवांगी सौम्या लिख रही है, प्रिंटिंग मशीन खोलने में परेशान है सर, कहाँ गई सियोना, कहाँ सियोना, वीडियो वीडियो बंद करके लिख, ठीक है। यहाँ क्या था सर, यहाँ क्या था सर, फोर था ना सर, फोर था ना सर, तो एक्चुअली यहाँ क्या था बाबू, फोर था, यहाँ फोर था, तो जहां जहां फोर था वहां फोर दो, यहाँ भी फोर दो, यहाँ भी फोर दो, यहाँ भी फोर दो, यहाँ भी फोर दो। नेक्स्ट बाबू अब इसमें किसको ब्रेक करेंगे सर, तो ये प्लस है ना सर, तो प्लस वाला तो फॉर्मूला है, क्यों ना इसको ब्रेक सर, माइनस को ब्रेक कर देंगे सर, तो टू हो जाएगा, एक्स रेज़ टू द पावर 8 बाय रेज़ टू द पावर 8, प्रखर बाबू म्यूट कीजिए बाबू, आपके मम्मी पढ़ा रही है कि कौन पढ़ा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बाबू या दूसरा रूम में चल जाइए, अब बाबू पुनः इसको ब्रेक करोगे, पुनः ब्रेक करेंगे कैसे सर, एक्स रेज टू का स्क्वायर सर का स्क्वायर सर, और माइनस बाबू बाई रेज रेज टू दावर 2 का 2, है ना। नेक्स्ट बाबू अब बाबू पुनः ये फॉर्मूला पे सर, थोड़ा देर के लिए इसको भूलो, तो यहाँ वाला इसको भूलो, तो ये क्या आएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, थोड़ा देर के लिए उसको भूलो, तो पहले हम लोग बाबू यहाँ से इसको लिखते हैं, एक्स रेज टू द पावर 8 बाबू प्लस बाई रेज टू द पावर 8,
मल्टीप्लाई बाबू एक्स रेस टू पावर फोर प्लस वाई रेस टू पावर फोर। नेक्स्ट बाबू यहाँ क्या था सर, टू था ना सर, तो टू अभी भूल चुके हैं, थोड़ा सा भूल चुके हैं, थोड़ा सा सदा के लिए भूलोगे तो आपका मार्क्स भूल जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा भूले तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला यही है सर, यही लिखो एक्स प्लस वाई बाबू हम मल्टीप्लाई कितना एक्स माइनस वाई, ठीक सर। लेकिन क्या एक्चुअली था सर, स्क्वायर था ना, जहाँ जो भूले ना सदा के लिए हो गया, कल सदा के लिए नहीं भूला, यहाँ स्क्वायर था सर, यहाँ स्क्वायर था, तो यहाँ स्क्वायर देंगे सर, यहाँ स्क्वायर देंगे, यहाँ स्क्वायर देंगे, यहाँ स्क्वायर देंगे, पुनः ये बाबू फॉर्मूला पे पुनः ये देखो क्या सर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बाबू राइट डन करो, यहाँ से समझ गए सर, अब कोई डाउट नहीं है सर, क्लियर हो गया सर, यही आंसर होगा सर, नहीं नहीं और होगा, माइनस वाला और ब्रेक होगा, एक एक स्टेप और ब्रेक होगा, यस सर, अभी बहुत ब्रेक होगा, अभी वो वन हो जाएगा सर। तो इतना स्टेप हमें इसलिए लेना पड़ रहा है ना क्योंकि क्वेश्चन में पावर 16 है, और ज्यादा पावर होगा तो और ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे ना सर। हाँ बाबू और ज्यादा स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जब तक करना बाबू 100 रहेगा तो सर और लेंगे, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई भी नहीं आ जाएगा, है ना, मतलब एक्स माइनस वाई से पावर खत्म नहीं हो जाए। एक मिनट में वीडियो बंद है बाबू, पुनः कनेक्ट कीजिएगा, समझे हो ना सर, मेरा नेट से 90% कंज्यूम हो गया। चलिए ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, पुनः कनेक्ट कीजिए, आप लोग खत्म हो गया तो प्रॉब्लम होगा, कनेक्ट कीजिए बाबू।